वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्यूज। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आपको हिंदी में टाइप करना हो तो आप कैसे टाइप करेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर। अगर आप मान लीजिए हिंदी में टाइप करना चाहते हैं, आपने कोई क्विज बनाया और आप उसे हिंदी में बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहता हूँ, मैं सारे ऑप्शन सारे क्वेश्चन हिंदी में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ। देखिए, इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं यहाँ से इसे कंट्रोल सी कर लूँ और मैं पहुंच जाऊँ गूगल ट्रांसलेट के पास। मैं किसके पास पहुंच जाऊंगा? गूगल ट्रांसलेट के पास। गूगल ट्रांसलेट क्या करेगा मेरे सारे क्वेश्चंस को, मैंने यहाँ पे हिंदी क्वेश्चंस को लिख दिया, अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये हमारा देखिए। और मैं इस तरह से यहाँ पे सारे ऑप्शंस को चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे राइस लिख दे रहा हूँ। और अगर मान लीजिए आप राइस नहीं लिखना चाहते हैं तो आप चावल लिख दीजिए ना, आप चावल लिख देंगे तब भी गूगल उसको कन्वर्ट कर देगा हिंदी में। देखिए अभी तक प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, शायद कर लेगा, नहीं कर पाया तो चलिए मैं चावल ऐसे लिख के दिखाता हूँ, शायद ये प्रेडिक्ट कर ले। चावल आ गया, तो चावल थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, हो सकता है ये कन्वर्ट करने में टाइम लगा दे। तो नहीं, अगर आपको इंग्लिश पता है तो आप उसका इंग्लिश लिख लीजिए, इंग्लिश लिख के आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। एक तो ये ऑप्शन है, सॉरी अभी कॉपी हुआ नहीं था शायद, यहाँ से मैं फिर से आता हूँ, एक बार राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, चावल कॉपी हो गया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए हिंदी में टाइप हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो टाइप ही करता रहूं और हिंदी में टाइप भी होता रहे, तो इसके लिए हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज के अंदर में कीवर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक कीवर्ड, ठीक है, इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। आप गूगल पे जाके माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज टूल कीजिए, यहाँ पे भाषा इंडिया करके आपको वेबसाइट दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये हिंदी लैंग्वेज को डाउनलोड करना पड़ेगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको डाउनलोड ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं डाउनलोड फोल्डर दिखा देता हूँ अपना कि मैंने इसको डाउनलोड किया है, हिंदी के नाम से डाउनलोड होता है। देखता हूँ मेरे पास शायद डाउनलोडेड है, पहले मैं डाउनलोड में जाके चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कोई हिंदी नाम का है क्या फाइल। हिंदी हिंदी एक्सी मैं देख रहा हूँ, शायद मिल जाए, देखिए हिंदी एक्सी हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये इंस्टॉल करने के लिए मेरे से पूछेगा, मैं इसे इंस्टॉल कर दूंगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ऑलरेडी मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल करने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। चलो लेकिन ये फिर भी इंस्टॉल हो रहा है तो आप देख लीजिए, इस तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्लोज एंड एग्जिट, ये इंस्टॉल हो चुके हैं मेरे पास। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है कि आप देखोगे आपके टाइटल बार में, आपके टाइटल बार में, आपके टाइटल बार में जो टास्क बार है उस टास्क बार में आप देखोगे आपको ईएन लिखा हुआ दिखेगा, लैंग्वेज टूल दिखाई देगा, उसके अंदर ऑप्शंस आता है हिंदी, एचआई हिंदी, एचआई हिंदी, आपने इसको सेलेक्ट करना है एचआई हिंदी को। लैंग्वेज कीबोर्ड चेंज हो जाएगा, कीबोर्ड के चेंज होते ही अब आप यहाँ पे हिंदी में टाइप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ कि भारत, देखिए ये भारत की राजधानी क्या है, कहाँ है भारत की राजधानी, कहाँ है, ये मैं टाइप करता जा रहा हूँ। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो भी मुझे सेलेक्ट करना होगा मैं उस ऑप्शन को, अगर मैं चाहूँ तो इंग्लिश में ही ले सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको हिंदी में कोई भी ऑप्शन ले सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। और ये इस तरीके से देखिए ये ऑप्शन सारा यहाँ पे अदर सजेशन करके आप इन ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिए दिल्ली, एक बार हिंदी कीबोर्ड की सेटिंग आपने चेंज कर दी तो आप कीबोर्ड की सेटिंग करके आप यहाँ पे मुंबई, आप मुंबई पे लिख दीजिए, ठीक है, आप यहाँ पे कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता या कोलकाता जो भी लिखना है कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे न्यू दिल्ली, आप न्यू दिल्ली भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये हिंदी में टाइप हो जाएगा आपका। अगर आगे भी देखते रहिए, मैं इसको टाइप करके दिखा रहा हूँ आपको कि मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज अलजेब्रा, तो मैंने लिखा अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या है, क्या है, ये मैंने टाइप कर दिया। और इसको देखिए सेलेक्ट करने के लिए आप स्पेस बार की को दबाएंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। आंसर तो आपको पता ही क्या करना कैसे, तो इस तरीके से आप चाहे तो हिंदी में, जैसे अब ये चावल लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे गेहूं लिख देता हूँ, तो मैंने लिख दिया गेहूं, GENH, इसको हम फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री के नाम से जानते हैं। एक्चुअली जैसा कि मोबाइल में आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक ऐसा ही ऑप्शंस आपके लैपटॉप पे भी आ जाएगा, आपके कंप्यूटर पे भी आ जाएगा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल को डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं अपने सिस्टम पे और लैंग्वेज टूल बार से आप उसकी सेटिंग्स को, ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं।
अगर आपको लैंग्वेज टूल बार की सेटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि उसकी सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। दूध पीता है इंडिया, चलिए तो दूध ले ले हम यहाँ पे, दूध ले लिया। अगला ऑप्शन और नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, आलू, तो मैं यहाँ पे आलू लिखूंगा। आपको टाइप हिंदी में करना है, समझिए आप फोनेटिक टाइपिंग करेंगे, आप ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी में पोटैटो लिखोगे तो आलू कन्वर्ट होगा, आपको डबल ए एल डबल ओ ऐसे टाइप करना होगा। इसको हम फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री कहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन की भाषा में, और नॉर्मली मोबाइल पे जब हम व्हाट्सएप पे होते हैं तो हम इसी तरीके से टाइप करते हैं और हमारा वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं कि हमें पूछना होता है क्या हाल है, तो के वाई ए एच डबल ए एल एच ए आई हम इस तरीके से टाइप करते हैं, वो इंग्लिश में ही जाता है, लेकिन उसको अगर आप हिंदी कीवर्ड अपने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल किया हो तो वो हिंदी में टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप गूगल फॉर्म्स को हिंदी में भी जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां पे सामान्य ज्ञान लिखना चाहता हूं, तो मैंने लिखा सामान्य ज्ञान, जी वाई एन सामान्य ज्ञान, है ना। और यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस को लिखा हुआ है, इसको आप नहीं चेंज कर पाएंगे क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड सेटिंग से आया हुआ है कि ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका हिंदी में भी कन्वर्ट करके आंसर रख सकते हैं। और चलिए मैं इसकी सेटिंग्स को एक बार चेंज कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ईमेल एड्रेस, तो मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से सेव करने के बाद आइए एक चीज आपको मैं इसको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। प्रीव्यू में आते हैं और अलजेब्रा क्या है, मैं लिख देता हूँ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स डील्स विथ। अब देखिए मैं हिंदी में टाइप कर, मैंने कीबोर्ड की सेटिंग हिंदी में कर रखा है, अंग्रेजी में भी टाइप कर सकता है, नंबर एंड वेरिएबल्स, ठीक है, डील्स विथ नंबर एंड वेरिएबल्स, मैंने ऐसे लिख दिया जो भी आंसर मुझे देना था। यहाँ पे मुझे क्विज रिस्पॉन्स सेटिस्फाई करना है, मैंने इसको 5 कर दिया। भारत की राजधानी कहाँ है, मैंने यहाँ से न्यू दिल्ली दे दी। देखिए ऑप्शंस भी आ गए आपको हिंदी में, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कौन सा, मैंने यहाँ पे लिख दिया चावल आलू, और मैंने इसको सबमिट भी कर दी, ठीक है। ये स्कोर भी आ गया हमारा, मैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान धन्यवाद भी आ गया। जो मैंने इंग्लिश में टाइप किया था वो इंग्लिश में ही दिखेगा, और जो मैं हिंदी में टाइप कर रहा हूँ वो हिंदी में। यहाँ पे व्यू स्कोर का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कहा था मैनुअल रिव्यू के बाद आपको व्यू दूंगा, स्कोर बताऊंगा, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप एक बार रिस्पॉन्स में आ जाइए, रिस्पॉन्स से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में इंग्लिश में आ रहा है। आप इसकी एक्सेल शीट यहाँ से देखिए, आप गूगल ऑनलाइन एक्सेल शीट भी क्रिएट कर सकते हैं, ये पूरा एक्सेल शीट क्रिएट देगा आपको, कर देगा, है ना। या जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन क्विज रिस्पॉन्स के नाम से एक्सेल शीट जनरेट कर दिया, ये गूगल ऑनलाइन ही खुल जाएगा, गूगल के ऊपर रिस्पॉन्स है। अब देखिए किस तरीके से स्टोर हो रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन भी इंग्लिश में स्टोर किया जा रहा है, जहां आपने इंग्लिश में सॉरी हिंदी में स्टोर किया जा रहा है, जहां आपने इंग्लिश में लिखा था वो इंग्लिश में जा रहा है, जहां आपने हिंदी में लिखा था वो हिंदी में जा रहा है। तो इस तरीके से आप हिंदी में टाइप भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि गूगल फॉर्म हिंदी में कैसे बनाते हैं, और ये मेरा गूगल फॉर्म का आखिरी वीडियो था। अगर आपके अंदर कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन आ रहा हो, किसी भी तरह की कोई डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं उस डाउट्स को। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आपने पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया है तो उसके लिए आप लिमिट कर सकते हो नंबर ऑफ वर्ड्स को, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स लिमिट हो सकता है, लेकिन आप उसमें आंसर को गूगल आपका वेरीफाई नहीं करेगा, सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स की लिमिटेशंस को आ कर सकते हो। आंसर की में आ जाओ, यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शंस भी नहीं दिख रहा है, लिमिट्स का भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।